और गाइस क्या हाल है दोस्तों। गूगल तो है एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन और ऐसे में भरा पड़ा है हज़ारों करोड़ों चीज़ों से, और ऐसे में अगर किसी को कुछ भी जानना होता है तो वो मदद लेता है गूगल की। जो भी जानना है वो लिखो गूगल के सर्च इंजन में और आपको मिल जाते हैं आपकी सारी चीज़ों के जवाब। इस चीज़ की जीरो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको आपकी बात का आंसर ना मिले। तो यार ऐसे में कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो ज़रूर सोचा होगा कि यार गूगल पे सर्च करे अपना नाम और आ जाए आपका नाम बिल्कुल टॉप पे। तो यार आज आपका सपना पूरा होने वाला है, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक। टॉप पर तो छोड़िए, गूगल की जगह रिप्लेस करके हम आज आप ही का नाम डालने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक ताकि आपको पता चल पाए किस तरह से गूगल का नाम रिप्लेस करके वहाँ पर अपना नाम डालें। बेसिकली ये एक ट्रिक है और है बहुत ही आसान। आपको करना सिर्फ इतना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पर चले जाइए। मैं करता हूँ यूसी ब्राउज़र, तो यहाँ पर मैं खोल के यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गॉग लोगो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसे गॉग लोगो ही कहेंगे। यहाँ पर आप इसे सर्च करेंगे तो इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और जो अगला पेज खुलेगा वहीं पर होने वाला है मैजिक। तो यहाँ पर जो ये एंटर योर नेम बिलो के नीचे ये लिखा आ रहा है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके योर नेम को बैकस्पेस से हम हटा देंगे। उसके बाद आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसे अब क्लिक कर देना है। आगे ये देखिए खुलकर आ गया, जहाँ पर गूगल लिखा होना था यहाँ पर लिखा आ रहा है टेक्टोनिक्स, जो कि मेरा चैनल है। और मज़े की बात तो ये है कि ये भी एक तरह का सर्च इंजन ही बन चुका है। यहाँ पर भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है यूट्यूब या जो मर्ज़ी आप सर्च करें। ये देखिए यूट्यूब मैंने सर्च कर दिया है और ये खुल भी गया है यहाँ पर। तो जहाँ पर लिखा होना था गूगल वहाँ पर आ रहा है मेरे चैनल का नाम कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ओरिजिनली देखें तो गूगल आता है इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ, पर अब आ रहा है मेरे चैनल का नाम। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आप चीज़ें सर्च करेंगे तो इस तरह से खुल जाएंगी। और अगर यहाँ पर यूट्यूब को मैं खोलता हूँ, तो लो भैया सर्च इंजन हो चाहे टेक्टोनिक्स का या फिर हो गूगल, यार अमित बढ़ाना तो छाया हुआ है हर कहीं। अब अगला स्टेप यह है कि यहाँ पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करके लिखना है मेरे चैनल का नाम, और ये जब खुल जाएगा इस तरह से, ये देखिए मेरे चैनल का लोगो आ गया, ये खुल जाएगा। 99 सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है यार मेरा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। तो यार अब सवाल आता है कि कोई गूगल की जगह अपना नाम क्यों डालेगा। बेसिकली ये आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर कभी हो गई हो आपकी बहस। आप कह रहे हैं इंडिया में 27 स्टेट्स होते हैं और वो कहता है कि 29, तो यहाँ पर अगर आपकी बहस हो गई हो और वो कहता है कि यार मैंने गूगल पे देखा था 29 होते हैं, तो आप सिर्फ ये कहना चेक कर जाके मेरे सर्च इंजन में चेक कर जाके कितने स्टेट्स हैं इंडिया में। दो ट्रिक्स मैं आपको और बता देता हूँ। आपको जाना है किसी भी ब्राउज़र में, यहाँ पर पहले तो आप कुछ भी सर्च कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर अगर सर्च करेंगे और यहाँ पर लिखना है आपको डू अ बैरल रोल इस तरह से, और यहाँ पर कर देना है सर्च। तो अब देखे ज़रा सा जादू क्या होता है इसमें। ये देखिए घूम गई आपकी स्क्रीन 360 डिग्री पे। अगर ये भी एक तरह का प्रैंक है, आप चाहें तो अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। और एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दोबारा से सर्च करना है आस्क यू नाम से, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन हो जाएगी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी। ये भी आपको अपने फ्रेंड्स को प्रैंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई देख मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब अजीब तरीके से। तो बस यही थी आज की 2-3 ट्रिक्स। ऊपर करते हैं तो ऐसे आता है, नीचे करते हैं तो ऐसे आता है। तो यार यही थी आज की बस 2-3 ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।